अपने पहले ही अंतरराष्ट्रीय पारी में अंग्रेजों का बैंड बजाया, आते ही क्रिकेट की दुनिया में छाया, मचा दिया बल्ले से तूफान, नाम है सरफराज खान। जी हाँ, आज हर तरफ सरफराज खान की चर्चा है। हर कोई इस खिलाड़ी के बारे में जानना चाहता है कि कौन है ये खिलाड़ी, क्यों इतना स्पेशल है, क्यों इसके बारे में इतनी ज्यादा बातें हो रही है। सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, फेसबुक उठाकर देख लीजिए, ट्विटर उठाकर देख लीजिए, इंस्टाग्राम उठाकर देख लीजिए, हर तरफ इसी खिलाड़ी की चर्चा है, सरफराज खान। क्योंकि कहानी बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प कहानी है इस खिलाड़ी की, यहां तक पहुंचने की कहानी बहुत दिलचस्प है, और इसकी निजी जिंदगी में भी जो भी उतार चढ़ाव रहे हैं ना, वो ये बताते हैं कि अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है और एक दिन आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो पेश है सरफराज खान की अनसुनी कहानी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि सरफराज खान से जुड़े विवाद क्या रहे हैं, क्योंकि इनसे जुड़े कुछ ऐसे विवाद रहे हैं जिनकी वजह से इनका नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था। क्रिकेट के बारे में तो बात बताएंगे ही आपको, लेकिन पहले कुछ विवाद बताते हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहला विवाद उनके साथ जुड़ा था साल 2011 में, जब एक स्कूल की टीम ने सरफराज पर अधिक उम्र होने का आरोप लगाया था। उस समय वो स्कूल क्रिकेट खेलते थे, तब आरोप लगाया गया था कि उनकी उम्र 15 साल है, मतलब टेस्ट से पता चला था कि उनकी उम्र 15 साल है, और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में जो रजिस्टर्ड उनकी डेट ऑफ बर्थ थी उसके अनुसार वो 13 साल के थे, यानी रजिस्ट्रेशन 13 साल का था, अपने आप को 13 साल का दिखाया और टेस्ट से उनकी उम्र 15 साल पता चली, तो विवाद बढ़ गया, जिसके बाद सरफराज और उनके पिता एक दूसरे टेस्ट के लिए गए। लेकिन इस बार टेस्ट उनके फेवर में आया, इस बार उम्र पंजीकृत डेट ऑफ बर्थ से मेल खा गई और ये विवाद सुलझ गया। इसके बाद दूसरा विवाद तब हुआ था जब 2015 में, यानी कि लगभग 9 साल पहले, एक अंडर 19 चैंपियनशिप थी, उसके सेमीफाइनल में मुंबई को जीत दिलाने के बाद सरफराज ने चयनकर्ताओं को कुछ आपत्तिजनक इशारे कर दिए थे। नतीजा ये हुआ कि उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था और उनके साथ साथ सूर्यकुमार यादव को भी टीम से बाहर कर दिया गया था, इन पर फाइन भी लगाया गया था। उसके बाद फिर थोड़ी सी अकल ठिकाने आई थी सरफराज की कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बहुत ढंग से क्रिकेट खेला और यहां तक पहुंचे। सरफराज का जन्म 27 अक्टूबर 1997 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था, वही मुंबई जहां से बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स निकले हैं, सचिन तेंदुलकर से लेकर रोहित शर्मा तक उन्हीं मुंबई की गलियों में खेलते हुए आगे बढ़े हैं। सरफराज का जन्म भी उन्हीं मुंबई की गलियों में हुआ था। पिता नौशाद खान भी अपने समय में क्रिकेट खेला करते थे। सरफराज की माँ तबस्सुम खान एक गृहिणी है। सरफराज के दो भाई भी हैं, मुशीर खान और मोइन खान, और दोनों भाई भी सरफराज की तरह ही क्रिकेट में माहिर है, बहुत नाम है दोनों भाइयों का। अगस्त 2023 में रोमाना जहूर नाम की कश्मीरी लड़की से सरफराज ने निकाह किया था। 4 सालों तक क्रिकेट की वजह से सरफराज स्कूल तक नहीं जा पाए थे। ये बहुत दिलचस्प उनके बारे में बात सामने आई है कि क्रिकेट के प्रति उनका समर्पण इतना ज्यादा था कि 4 सालों तक उन्होंने क्रिकेट की वजह से स्कूल से दूरी बनाई थी, एक प्राइवेट कोचिंग वो जाते थे, वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। सरफराज के पिता ने बहुत मेहनत की है सरफराज को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। सरफराज के पिता ही उनके पहले गुरु रहे हैं। सरफराज के पिता ने प्रैक्टिस के लिए घर के बगल में ही एक सिंथेटिक पिच सरफराज के लिए तैयार कर दी थी, उसी पिच पर खेल खेलकर सरफराज यहाँ तक पहुँचे, टीम इंडिया तक पहुँचे। सरफराज ने अपने पिता के संरक्षण में ही क्रिकेट सीखा और बेहतरीन बल्लेबाजी की, जिसके बाद सरफराज की मेहनत का नतीजा पहला तब मिला जब हैरिस शील्ड मैच में 421 गेंदों पर 439 रन बनाकर सरफराज ने सचिन तेंदुलकर का 45 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। ये बात है साल 2009 की, यानी कि तब सरफराज की उम्र लगभग 12 साल थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। इसके बाद जल्दी उन्होंने मुंबई की अंडर 19 टीम से खेलना शुरू कर दिया। जनवरी 2020 में यूपी के खिलाफ रणजी मैच में उन्होंने अपना पहला फर्स्ट क्लास 13 शतक ठोका और फिर उसके बाद कभी भी मुड़कर नहीं देखा। 2021-22 के रणजी सीजन में 6 मैचों में उन्होंने 122 की शानदार औसत के साथ 982 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी भी जीती थी। तभी से दुनिया को पता चला था कि भाई सरफराज नाम का एक बढ़िया टेस्ट खिलाड़ी आ गया है। रणजी ट्रॉफी के सीजन में उन्होंने एक दोहरा शतक लगाया था, 4 शतक लगाए थे, 2 अर्धशतक जड़े थे। वहीं घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आखिरकार 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ उनको अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने का मौका मिला और पहले ही मैच की पहली ही पारी में उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, बेसबॉल का बाजा बजा दिया, 66 गेंदों पर तूफानी 62 रन ठोक दिए। अगर रविंद्र जडेजा उनको रनआउट नहीं कराते, हो सकता है सरफराज पहली ही पारी में शतक भी ठोक देते। सुविधा नहीं, सरफराज का आईपीएल करियर भी बड़ा शानदार रहा है, बड़ा पुराना इनका आईपीएल करियर रहा है। सरफराज को 2015 आईपीएल में आरसीबी ने 50 लाख रुपए में खरीदा था, तब उनके आईपीएल करियर की शुरुआत हुई थी। 17 साल की उम्र में ही आईपीएल खेलने वाले वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे, ये उनके नाम बड़ा रिकॉर्ड है। 2017 आईपीएल सीजन में एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान उनके पैर में चोट लग गई, फिर वो पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए, लेकिन फिर भी आरसीबी ने 2018 सीजन के लिए उनको बरकरार रखा। फिर 2019 में आरसीबी ने उनको रिलीज कर दिया और फिर किंग्स इलेवन पंजाब ने 25 लाख रुपए में उनको खरीद लिया।
2019 आईपीएल सीजन में उन्होंने 8 मैचों में 45 की औसत से 180 रन बनाए, यानी कि अच्छा औसत था, अच्छा स्कोर किया था। सरफराज को फिर पंजाब में 2020 आईपीएल के लिए रिटेन किया था। फिर सरफराज को 2022 आईपीएल के मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 20 लाख में खरीदा था और 2023 आईपीएल में वो पंत की अनुपस्थिति में बाकायदा दिल्ली कैपिटल्स के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में भी खेले। अब थोड़ी बात उनकी पर्सनल लाइफ की भी कर लेते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता है कि सरफराज खान की शादी हो चुकी है। लव लाइफ उनकी बड़ी दिलचस्प रही है। सरफराज ने रोमाना जहूर नाम की एक कश्मीरी लड़की से निकाह किया था। उनकी शादी 6 अगस्त 2023 को कश्मीर के शोफिया जिले के पशपोरा में हुई थी। सरफराज और रोमाना की पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी। पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने शादी का फैसला किया था। रोमाना दिल्ली में जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ सरफराज की बहन भी पढ़ती थी और बहन की ही वजह से दोनों की मुलाकात हुई थी। बाद में सरफराज ने सीधे अपनी बहन से कहा था कि उन्हें रोमाना से शादी करनी है, जिसके बाद बात परिवार वालों तक पहुंची और फिर शादी हो गई। सरफराज की शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। तो ये सरफराज की कुछ ऐसी कहानी जो अभी तक बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है, खासतौर से उनसे जुड़े कुछ विवाद बिल्कुल नहीं पता थे। उन्होंने बाकायदा अभी लगभग 2015 का मैंने किस्सा सुनाया, उसके बाद लगभग 2-3 साल पहले भी जब लगातार वो रन्स बना रहे थे और उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था टीम इंडिया में, तब भी उन्होंने शतक लगाकर, दोहरा शतक लगाकर, एकदम पंजाबी स्टाइल में उंगली दिखाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारे किए थे कि देख लो मैं इतना शानदार खेल रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे नहीं ले रहे हो। आखिरकार उनकी तपस्या रंग लाई और इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला और डेब्यू में ही उन्होंने मौके पर ही चौका मार दिया और वहीं से छा गए और हर तरफ आज सरफराज की ही चर्चा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस स्पोर्ट को देखने के लिए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।